लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। This is ridiculous. Bose played us. How could we miss this? Of course he went to Russia. Obviously Russia. Why would he go to Incheon? सरकार हमसे दोबारा वही गलती हो गई. सब कुछ हमारी आंखों के सामने ही हुआ. हम कह रहे थे आपको घोड़ा चाहे घायल हो या थका हुआ हो वो घोड़ा ही होता है. वो गधा नहीं बन जाता. गधा तो बोस बाबू हमको बना गए. और पहली बार नहीं, यही पैतरा आज से 4 साल पहले हम सब पर आजमा कर गधा बनाया था. बोस से परेशान होकर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें घर में नजरबंद किया था और चौकीदारी पर बिठाया था हमको. अरे भाभी हमें दे दीजिए ना, हम ले जाएंगे. नहीं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ले जा रही हूं. अरे काहे दिक्कत ले रही हैं, रहने दो. अरे कोई परेशानी है ही नहीं. लाइए लाइए, बहुत ही अच्छे. आजी मैंने मन बना लिया है मां, मैं संन्यास ले रहा हूं. संन्यास से पहले गृहस्थी बसानी होती है सुभाष, बाल बच्चे होते हैं. कहां गृहस्थी बसाऊं, यहां बच्चे पैदा करके गुलामों की फौज खड़ा करूं अंग्रेजों के लिए. सुभाष बाबू केवल आप ही नहीं है जो आजादी के लिए लड़ रहे हैं, इतना सारा लोग है. गांधी जी हैं, जवाहरलाल जी हैं, राजेंद्र बाबू हैं, सब शादी ब्याह के हैं. ऐसा थोड़े है कि ब्रह्मचारी लोग ही आजादी के लिए लड़ेगा. आपके साथ समस्या है कि आपको बहुत ही हड़बड़ी है. अरे मिल जाएगा आजादी, आपको इतना हड़बड़ी है कि आजादी आ जाए चाहिए. क्यों, क्या बचपना है बोस बाबू? मैं आपसे एक ही वक्त खाना खाऊंगा. इसे छोड़ने में थोड़ा वक्त लगेगा पर ए?
अब जहां देश विदेश घूमे वहां कोई मिला नहीं आपको? अरे छेना पायस नहीं खाएगा क्या? हम खा रहे हैं फिर। आजकल साधना में ही लगे रहते हैं, किसी से बातें ही नहीं करते। No, that doesn't make sense. Why would Bose retire now? Maybe you finally managed to break him down. Darbari Lal, I want you on the job 24 hours. सरकार, हम उस घर में जाओ में घूम की तरह लग गए हैं। वहाँ कुछ भी होगा, सबसे पहला भनक हमको लगेगा। Very good. एक केला ले लें। Go ahead. धन्यवाद। अरे पूजा की धोती है, हाथ साफ है ना? अरे पूरा पवित्र है, देख लीजिए। एक बात पूछनी थी तुमसे। हाँ हाँ पूछिए। तुमने शादी क्यों नहीं की अब तक? अरे क्या बताएं, सब सुभाष दा का गलती है। इनसे फुर्सत मिले तब तो करें ना शादी, कभी यहाँ कभी वहाँ परेशान कर दिए हैं अभी। अरे हम बता रहे हैं जिस दिन ये सुधर जाएंगे, विद्या कसम उसका अगला दिन हम ब्याह कर लें। हम तो मरे जा रहे हैं शादी के लिए। पता नहीं क्या हो गया सुभाष को, संसार से उसका मन ही उब गया है। एक बात बताइए, सुभाष बाबू कुछ योजना बोझना किए हैं, कुछ बताएं आपको? कौन पूछेगा उससे, मौन व्रत ले लिया है अब तो, बात ही नहीं करता किसी से। सरकार, व्हाट? बोस बाबू अब मौन व्रत रख लिए हैं। Really? Stanley, can we go one evening without talking about Bose? He's in house arrest, for God's sake. So he finally muzzled the rabid dog. Make sure he never leaves that house. जी सरकार। बउआ, कान ऐसा साफ करो कि बोस बाबू का एक एक धड़कन हमको सुनाई दे, समझ रहे हो? आराम से भाई। बाबू जरा सर तो घुमाइए इस तरफ, नहीं तो जो कान में तेल डाला था ना वो जम जाएगा। This is my destiny to be free, be free. This is my destiny to be free, be free. This is my destiny to be free, be free. This is my destiny. बोस बाबू को फरार करने में पूरे परिवार का हाथ था। इधर हम कान साफ करते रह गए और उधर बोस बाबू की जगह उनके भतीजे अरविंदो ने ले ली।
सुभाष बाबू, अमरूद बहुत अच्छा पका है, खाइएगा। अच्छा आपके लिए बाहर छोड़ दिए हैं, ले लीजिएगा, हम चिट्ठी पोस्ट करके आते हैं। कैसा सन्नाटा छा रहा है, बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा है। बोस बाबू मौन व्रत ले लिए हैं, बोल बोल कर पूरा देश में आग लगा दिए थे। आजकल तो न किसी से बोलता है न मिलता है। कहीं समाधि वमाधि तो नहीं ले ली? दरवाजा तोड़ दें। नहीं, मगर कभी कभी कमरे से सिगरेट की महक और लाइटर की आवाज तो आती है, उसी से समझ जाती हूँ कि सब ठीक ठाक ही है। गो आशी आश्चर्य। 10 दिन तक ये खेला चलता रहा। सुभाष बाबू किसी से मिलते नहीं थे, लेकिन उनके कमरे से सिगरेट की सुगंध, लाइटर का संगीत और चिट्ठियों की श्रृंखला से हम निश्चिंत थे कि हाथी पकड़ में है। लेकिन बोस पेशावर पहुंच चुके थे। बंदूक नीचे, मुझे आपके जर्मन दोस्तों ने भेजा है। सुभाष रहमत खान। Sir, Royal Bengal Tigers has reached checkpoint B. Reaching checkpoint C in next 2 days. Activate Todd Group. Shukran. यहाँ हर दूसरा आदमी अंग्रेजों का जासूस है। हिंदुस्तान में मुझे भगत सिंह तलवार बुलाते हैं, लेकिन यहाँ मुझे रहमत खान बुलाएगा। मुझे रशिया पहुंचना है जल्द से जल्द। रशिया में कौन है आपका? कोई नहीं। तो रशिया हमारी अंग्रेजों से लड़ने में मदद करेगा, उन्होंने भी अपनी आजादी क्रांति सही पाई है। लेकिन गांधी जी तो कह रहे हैं कि सब्र करो। और कितना सब्र करेंगे रहमत? अगर अगले 100 साल 1000 साल तक भी सब्र और अहिंसा से अंग्रेज खुश ना हुए तो क्या हम 1000 साल तक सत्याग्रही करते रहेंगे? बोझ बाबू यहाँ से चलते हैं, आप आगे बढ़िए, बिल्कुल पीछे मत घूमिएगा। आगे मिलता हूँ। हेलो ऑफिसर। He's made all of us look like fools, Stanley. This is despicable. Find him. 10 दिन हो गए थे जब पता चला था कि सुभाष बाबू हाउस अरेस्ट से बचकर रफू चक्कर हो गए थे। हम ही चौकीदारी पर थे सरकार, कहा कहें अपना मुंह पर थप्पड़ मारने को मन कर रहा है। भाग गए। अरे भाई अब देखना। बोस बाबू कहां थे ये पता करना शायद अंग्रेजों के बस की बात नहीं थी,
लेकिन अंग्रेजों को इस बात का पक्का यकीन था कि बोस बहुत दूर तो नहीं थे। हिंदुस्तान से बाहर जाने के लिए उन्हें सरहद तो पार करना ही पड़ता। बस ये पड़ाव पार हो जाए, आप अपनी मंजिल की ओर नजदीक आ जाएंगे। एक बार हिंदुस्तान की सरहद के पार चले गए, आधी मुश्किलात हल हो जाएंगी। बॉर्डर पर कुछ अंग्रेज अफसर मिलेंगे, उनके सवालों का हमें सोच समझ के जवाब देना होगा। आप समझ रहे हैं बोस बाबू? बोस बाबू, आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? Passports, please. Let's check it. Passports, please. कौन है ये? ये मेरा भाई है। भाई की जबान पे ताला लगा है क्या? खुद बोलने दो इसे। क्या नाम है भाई तुम्हारा? बोल नहीं सकता, एक हादसे में इसकी आवाज चली गई। हम इसे अदा शरीफ के मजार में लेके जा रहे हैं। बड़ा बुरा हुआ इनके साथ। चलो कोई बात नहीं, अदा शरीफ सब ठीक कर देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। एक मिनट, ऐसे ही जाने दोगे क्या? क्या पता झूठ बोल रहा हो। मुंह खोलो, मुझे जुबान दिखाओ। ओहो, चलो 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 जब जबान ही अकड़ी हुई है तो क्या बोलेगा बेचारा। 21st January 1941, Subhas Chandra Bose has fled the country to Afghanistan. We don't know what he looks like, so we have a difficult task ahead of us. सरकार, एक सुभाष बाबू फितूरी, दूसरा आप फितूरी। आप काहे धैर्य खो रहे हैं? सुभाष बाबू ना वहां की जबान जानते हैं ना भाषा, वो कितना आगे जाएंगे बताइए। बोस बाबू, रशियन एम्बेसडर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीजें थोड़ी मुश्किल लग रही हैं। आसान होता तो आपकी मदद थोड़ी चाहिए होती, आप कोशिश करते। पुलिस, दरवाजा खोलो। जी आ रहा हूं, आ रहा हूं। जी आया आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब खैरियत? सबर, ये कौन है? जी मेरा भाई है, पुफे की बेटी की शादी में आया है। क्या नाम है तुम्हारा? जी बोल नहीं सकता, गूंगा है। Is everything all right? इधर सब क्लियर है जनाब, आगे वाला मोटल देखते हैं। देखो तुम्हारा रिश्तेदार है तो हमको भी तो ख्याल रखना होगा। अब हमारे आदमी हो तुम, जब तक यहां हो तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आते रहेंगे हम। ये जगह ठीक है नहीं, इतनी कीमती घड़ी पहन के मत घूमिए।
खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। दुनिया की सारी पुलिस एक जैसी है, आज चाहे कुछ भी हो जाए पर हम मैनेजर से मिलकर आना, और दिन हो गए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं बोस बाबा, आज हम जरूर मिलेंगे उनसे। और इस बार भी तुम्हें ये रशियन एम्बेसी में घुसने नहीं दिया तो बाहर ही पकड़ लूंगा उसे। वक्त बहुत कम है रहमत, सुनो उसे अच्छे से समझाना कि मेरा स्टालिन से मिलना बहुत जरूरी है, रशिया की हेल्प के बिना हम नहीं कर पाएंगे ये। जानता हूं सुभाष बाबू, आप कई बार कह चुके, इस वक्त चले। रहमत, बात हुई? वो नहीं माना, पता नहीं अंग्रेजों ने क्या पट्टी पढ़ाई है उसे। वो रशियन एम्बेसडर आपको अंग्रेजों का जासूस मानता है। अंग्रेजों का जासूस? कहां से मिलती है इन्हें अपनी इंफॉर्मेशन? जासूस लगता हूं मैं? सुभाष बाबू मुझे लगता है कि आपको यहां से निकलना चाहिए, यहां कुछ नहीं हो रहा। अगर आप एक बार अंग्रेजों के हाथों में पड़ गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब आपके पास सिर्फ एक रास्ता बचता है, जर्मनी। इटालियंस ने आपके लिए पासपोर्ट बनवाया है, उम्मीद है कि हिटलर आपसे मिलने के लिए तैयार हो जाए। सुभाष बाबू क्रांति आपसे जिंदा है, चाहे आप वो रशिया से लाएं या जर्मनी से। जहां एक तरफ बोस बाबू इटालियन पासपोर्ट लेकर जर्मनी जाने की तैयारी में लगे थे, वहीं दूसरी तरफ स्टैनली का पागलपन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अंग्रेजों के नाक के नीचे से गायब हुए थे बोस बाबू, दुख तो होना वाजिब था। Sorry, it took me a while to come back. Thought you're never gonna come back. I'm sorry I could not write you now. But I've read all your letters several times. Look at you. You didn't change. I lost a little bit of weight, I think. Or maybe put on some. Some hair for sure. Got something for you. What is that? Open it. You didn't forget? I never forget. Subhash, I really don't think this is a great move.
You know that Hitler is against interracial marriages. अंग्रेज वैसे ही आपके खिलाफ हैं और ये शादी करके आप हिटलर को भी नाराज कर देंगे. Just give it a thought. अंग्रेजों की गुलामी कम है क्या डॉक्टर माथुर? क्या आप हिटलर के भी गुलाम बने? कल शादी है और आपको जरूर आना है. Let's go.